हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एपी ईसीईटी के जो सिलेबस है वो रिलीज हो चुके, तो किस तरीके से कौन सा वेबसाइट से आपको जो है चेक करनी है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है एपी ईसीईटी के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करनी होगी कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेनी होगी और वहाँ पर आपको टाइप करनी होगी APECET 2021 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव साइट है जहां पर आपको APECET के रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाते हैं, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको यहां पर सर्च करनी होगी, जैसे सर्च कर लेते हैं, यहां पर फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेनी है। सिंपल यहां पर IASpaper.net लिखी हुई रहनी चाहिए, तभी आपको यहां पर क्लिक करनी है। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है, आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी आने वाली है, ठीक है, नीचे आनी है, लास्ट सेकंड जो यहाँ पे लिखी हुई है सिलेबस पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर प्रिपरेशन टिप्स भी दिया गया, कैसे प्रिपेयर करना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, सिलेबस अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये न्यू पेज पर ओपन होते हैं जहाँ सिलेबस के सारे रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी। तो एपी ईसीईटी का कोर्स यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे बीटेक, एमएससी फार्मेसी सब कुछ यहाँ पर बताया गया। एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एपी ईसीईटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कीजिए जो सामने आपके फॉर्म है। आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लीजिए, इजी है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिए। आप जो कौन से स्टेट के रहने वाले, स्टेट का यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला, तो आंध्र प्रदेश में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, आंध्र प्रदेश ढूंढना, जो भी जिस किसी भी स्टेट के उस स्टेट का सेलेक्ट कर लेना है। आप कौन से सिटी में रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ उसको सेलेक्ट करके फिर गेट फिर यहाँ पर लिखी हुई ना सेलेक्ट कोर्स कैटेगरी इंटरेस्ट, उस कोर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करनी जिस कोर्स में भी आपको इंटरेस्ट है। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखी हुई आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, 10th की 12th की डिप्लोमा है कि ग्रेजुएशन की मास्टर पीजी है, उसको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करनी है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ई मेल आई डी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। तो यहाँ पर गेट फ्री काउंस ओके गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इस तरीके सामने आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट बताया गया है, मैथ सब्जेक्ट बताया गया है, मैक्सिमम मार्क्स और रिमार्क यहाँ पर सब कुछ बताया गया। तो सब्जेक्ट मैथ्स का यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 मार्क्स का, कॉमन इंटरेस्ट सब कुछ बैचेस यहाँ पर बताए गए हैं। सिलेबस यहाँ पर देखना आपको मैथ्स का सिलेबस, तो ये सब्जेक्ट है, ये टोटल मार्क्स है। तो मैथ का सिलेबस में सारी चीज़ें बता दिए गए कितने मार्क्स ले आएंगे। एनालिटिक ऑफ एबिलिटी, कम्युनिकेटिव ऑफ इंग्लिश ओके सब कुछ यहाँ पे मैथ्स का बताया, ठीक है। फिर फार्मेसी का और उसका बता दिया गया किस तरीके से क्या है, कितने मार्क्स के लिए है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन से मतलब कितना मार्क्स है, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फार्मोलॉजी और फार्माक्लोगनाइज ओके पे बता दिया गया है। डिप्लोमा सिलेबस ऑफ एपी ईसीईटी का जो यहाँ पे बताया गया है कि ये सिलेबस मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स है, पार्शियल फैक्ट्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक ज्योमेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशंस एंड एप्लीकेशंस, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, उससे सारी चीज़ें बताई गई कि सारे चैप्टर जो हैं आपको आने वाले हैं सिलेबस में, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में सब पूछे जाएंगे, इन सारे सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं। अब सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री का बताया गया, तो ये सारे आपको चैप्टर जो है रिवाइज करना है। फिर फिजिक्स का भी इसी तरीके से करना है, फिर इंजीनियरिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का भी करना है इसी तरीके। सारे जो है ये सारे सब्जेक्ट बताए गए, ये सारे सब्जेक्ट जो है इस सारे चैप्टर पर आपको आएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, तो ये देख सकते हैं। फिर ओके कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेबस सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया। इसी तरीके से सारी चीज़ आपको करनी है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकता है। ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद करती होती है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर।